हाय एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें कोई यीस्ट नहीं चाहिए, कोई बेकिंग सोडा नहीं चाहिए, कोई डो नहीं प्रिपेयर करना है, ओवन भी नहीं चाहिए। सो फॉर दैट वी नीड पिज़्ज़ा बेस, और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैं गार्लिक बटर लगा रही हूँ। गार्लिक बटर आप घर पर भी ईजीली बना सकते हो। बटर को मेल्ट करके गार्लिक और ओरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल दो, गार्लिक बटर रेडी हो गया। चीज डाल रही हूँ मैं, डाइस्ड चीज डाल रही हूँ मोज़ेरेला वाली, और थोड़ी सी चीज स्लाइस डाल रही हूँ। आप कोई भी चीज इसमें डाल सकते हो। और उसके बाद इसमें मैंने कॉर्न्स और कैप्सिकम डाली और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाली। फुल वन चीज का क्यूब इसके बीच में ग्रेट किया था। अगर आपके पास चीज क्यूब नहीं है, यू कैन यूज चीज स्लाइस डाल के। और एक टिप पे आपके लिए, इसके ऊपर फिर ओरिगैनो चिली फ्लेक्स डालेंगे। और एक टिप पे आपके लिए कि अगर आपका पिज़्ज़ा बेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो जब आप इसको फोल्ड करोगे ना, वो टूट जाएगा। तो आपका पिज़्ज़ा बेस जैसे एक दिन पुराना हो, अगर आप कल लेके आए तो आज बनाओ, अगर आज लेके आए तो कल बनाना, अच्छा ज़्यादा बनेगा। इसको ना धीरे से फोल्ड कर दिया दूसरी साइड, और इसके ऊपर फिर से गार्लिक बटर लगाना है। गार्लिक बटर एक अच्छा गार्लिक का फ्लेवर दे, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स, और इसके ऊपर ना स्लाइड से हम पिज़्ज़ा कटर के साथ या नाइफ के साथ इसको कट्स लगा देंगे, ताकि हम जब इसको बेक करें तो ये हमारा कट करने में इजी हो जाए। नीचे तक मत कट करना कि ये अलग हो जाए। और कढ़ाई ली, कढ़ाई में इसको 5 मिनट्स के लिए, मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया था, और अब इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और ये रेडी हो गया, एंड इट वाज सो यम्मी एंड सो चीज़ी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड एक खा के कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये पिज़्ज़ा बेस से बनी हुई है। बाय।